मुशाहिदे में शामिल तमाम खातिन और बच्चों को रिहा कर दिया गया। जिन अफराद की शनाख्त हो गई उन सबको भी रिहा कर दिया गया। विफाक वज्रा की इस्लामाबाद इंतजामिया के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद हसन फवाद ने कहा कि सिर्फ वही अफराद ज़ेरे हिरासत हैं जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। तहकीकात से पता चलेगा कि ये लोग किस मकसद के लिए एहतजाज में शामिल हुए। हर किसी को एहतजाज की इजाजत है। 23 दिन से पुरअमन एहतजाज जारी रहा, कोई दखल अंदाजी नहीं की गई। कपड़े से मुंह ढांपे अफराद ने पुलिस के साथ तसादुम किया। खुफिया इतला थी कि मुजाहिरीन ज्यादा देर ठहरे रहे तो नाखुशगवार वाकया हो सकता था। इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाई, नून लीग और पीटीआई की हाथापाई। सरगोधा में नून लीग और पीटीआई के कारकुनों में झगड़ा। AN83 के कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए लड़ाई हुई। नारेबाजी के बाद हरीफों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज राणा जान छुड़वाकर कमिश्नर ऑफिस से निकल आए। और पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला सुनाने का हुक्म। वकला के दलाइल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया गया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के दलाइल ने कहा कि कल तक हमें निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीकाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है।